जैसा कि आप सभी को पता होगा, दीपावली आने वाली है। 2 दिन 3 दिन बाकी रह गया है, तो मैंने सोचा कि कुछ आप लोगों को बताया जाए, नया करके दिखाया जाए दीपावली के बारे में। आप लोगों ने झालर बहुत सारी खरीदी होंगी, बहुत सारा लाइट बनाया होगा, तो चलिए इस वीडियो में कुछ नया करने की सोचते हैं। हमारे पास देख सकते हैं क्या है, ये मेरे हाथ में फ़िलहाल में ग्लू गन है और ये ग्लू गन का राड है एक्चुअली। तो चलिए इसका यूज कैसे करना वो बताते हैं हम। कुछ अपनों ने देखा होगा इस तरीके की लाइट बनाई हुई ग्लू गन के थ्रू, जिसमें एक तरफ ऐसे लाइट डाला जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे देख सकते हैं आप, डाल रखा है हमने खुद ही इस तरीके से। तो इसके अंदर हमने एक लाइट को इस तरीके से इनपुट कराया अंदर तक। कैसे कराया जाता है पहले देख लेते हैं, फिर हम बताते हैं क्या हम करने वाले कुछ नया। ये वाली वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर है, क्योंकि हमने इसको बना रखा है पहले से ही, तो आप उसको जाके वॉच कर सकते हैं। और मैं कुछ नया अभी करने जा रहा हूँ अलग तरीके का इसी से, तो वो काफ़ी डिफरेंट होगा। तो बने रहे वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। कोई भी सवाल सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और अभी भी आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले बताते हैं किस तरीके से इसको यूज करना है। यहाँ पे हमारे पास शोल्डर है मेरे हाथ में, देख सकते हैं आप। इस शोल्डर को करना क्या है, इससे कुछ इस तरीके से इसके अंदर यहाँ पर ऐसे निशान यानी कि सुराख करना है इस तरीके से। ग्लू गन की वजह से आप देख सकते हैं पूरा शोल्डर्स भी काला हो गया, बट कोई नहीं, बस इसमें आपको इस तरीके से क्या करना है, छेद बनाना है अच्छे तरीके से। ऐसे इसको छेद कर लेना, इसके बाद शोल्डर को निकालना है। और शोल्डर को निकालने के बाद फिर इसमें आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके देख सकते हैं आप, ये इसके अंदर आपको बल्ब लगा देना है सीधा ऐसे। बल्ब लगा कर क्या करना है, अच्छे से कुछ देर दबाए रखना है ऐसे, बस देख सकते हैं आप, ये अंदर जाकर फिक्स हो जाएगा आराम से। बस कुछ देर बाद इसको छोड़ दीजिए, ये अंदर पूरा बिल्कुल फिक्स हो गया। तो ऐसे करना है, बट हम क्या करने वाले हैं, सिंगल तरफ नहीं लगाने वाले हैं, दोनों तरफ यूज करेंगे। यानी कि इसी चीज़ को हम दोनों तरफ यूज करेंगे, जो देख रहे हैं आप यहाँ पर, इस चीज़ को हम इस साइड भी लगाएंगे, यहाँ पर भी और इस साइड यहाँ पर भी, तो दोनों तरफ इसको हम यूज करेंगे। ओके, और देखते हैं किस तरीके का लगता है बनने के बाद। और इसको हम एक बार चिपकाने वाले नहीं हैं, एक बार इसको हम ऐसे हैंग कराएंगे बीचों बीच, तो देखते हैं कैसा लगता है बन जाने के बाद। और इसमें आपको यूज टोटल क्या क्या चीज़ें लेनी पड़ेंगी वो देख लीजिए। सबसे पहला आपको ऐसा ग्लूगन रॉड चाहिए, इसके बाद से ये मल्टी कलर LED चाहिए, RGB 3 कलर की LED जो आती हैं वो चाहिए आपको। इसके अलावा चार्जर की किट चाहिए, बस इतना कुछ आपको चाहिए। तो यही चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, बाकी कुछ वायर चाहिए और कुछ चाहिए नहीं। चलिए फटाफट करके देखते हैं कैसा लगता है। तो फटाफट हम इसमें सारे में LED को लगा लेते हैं।
जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने टोटल 10 ग्लू गन रॉड में ऑलरेडी एक तरफ हमने लाइट को लगा लिया। तो इस तरीके से हमने इसमें सेटअप कर लिया एक साइड में। तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव ऑलरेडी हमने कनेक्ट कर लिया। अब इधर करना है कनेक्ट दूसरे साइड में। फटाफट चलिए इस साइड में हम क्या कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं। तो दोनों तरफ एलईडी लगाएंगे इस बार और देखते हैं। तो इसी इन 10 में भी यूज करते हैं, उसके बाद से देखते हैं क्या नज़ारा होता है। फटाफट कनेक्शन इसके बाद देखेंगे। तो फाइनली आप देख सकते हैं ये बिल्कुल हो चुका है। लास्टली ये अंतिम वाला मैं कर रहा हूँ। तो दोनों तरफ हमने इसको लास्ट में लगा ही लिया। बस ये रहा खत्म। इसको अच्छे से दबाते हैं ताकि, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, दबाएंगे अंदर तक ताकि कुछ भी बुलबुला टाइप का अंदर नहीं रहा जाए तक। तब जल जब जलेगा तो दोनों तरफ फोकस जाएगा। बस अब इसको यहाँ से ऐसे थोड़ा सा घुमाकर इसको अच्छे से पैक कर देना है ताकि कभी भी अगर पानी होने जाए तो वाटर इसके अंदर ना जा पाए। इस बात के लिए इसको अंदर अच्छे से फिक्स कर देना। देख सकते हैं आप टोटल हमने तैयार कर लिया। इनको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का साफ कर लेंगे, जो कहीं ग्लू गन जो ग्लू है कहीं फैला हुआ है उसे हम अच्छे से पहले इसको हम साफ कर लेंगे ऐसे। और सभी तो फिलहाल में साफ हो चुकी हैं, कुछ है नहीं। बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी हैं। अब लास्टली हमें करना क्या है, बस इनका कनेक्शन करना है। तो कनेक्शन कैसे करेंगे पहले से बस बता देते हैं आपको। फटाफट ध्यान से देख लीजिए, इन सारे के पॉजिटिव टर्मिनल को आपस में जोड़ लेंगे और वायर के थ्रू क्या करेंगे, सारे पॉजिटिव सिरों को आपस में जोड़ देंगे एक वायर के थ्रू, और फिर सारे माइनस को आपस में जोड़ देंगे दूसरे वायर के थ्रू, और इनको हम देंगे जो चार्जर किट आती है उसके द्वारा डीसी सप्लाई। और आप एक बात और याद रखिएगा, इसमें दोनों तरफ हमने लाइट लगाया, इधर भी और इस साइड भी, तो दोनों साइड सेम ही करेंगे प्रोसेस, कनेक्शन अंत में देंगे। चलिए इसको हम फाइनली जब करेंगे तो दिखाते हैं फटाफट कैसे करना है। ओके, तो आप देख सकते हैं हमने लिया ऐसा कुछ वायर, हल्का सा बिल्कुल पतला सा वायर है ये, इसको टेलीफोन वायर भी कहीं जगह लोग बोलते हैं। कुछ इस तरीके का वायर है, दो इसमें कलर है, एक ब्लू या ग्रीन बोल सकते हैं हल्का सा, और एक वाइट। करना क्या है, हम वाइट वाले को पॉजिटिव बनाएंगे और इस वाले को माइन नेगेटिव। चलिए फटाफट इसको कर लेते हैं। अब इसमें दो प्रकार के लेग हैं, एक बड़ा और एक छोटा। तो आप देख सकते हैं हमें करना क्या, बड़ा वाला लेग जो होता है पॉजिटिव होता है और छोटा वाला लेग जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव वाले लेग पे हम इसका जो पॉजिटिव है उसको हम जोड़ देंगे, और ऐसे ही सभी को आपस में कनेक्ट कर लेंगे। पॉजिटिव को पहले जोड़ेंगे उसके बाद फिर नेगेटिव को, इस तरीके से कुछ। इस पे बाद में सोल्डर भी कर सकते हैं, ऐसे तो ये मजबूत हो जाएगा, सोल्डर करना उचित है। तो साथ में सोल्डर कर देंगे यहाँ पे। चलिए पहले जोड़ लेते हैं फटाफट, फिर दिखाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने 5 का कनेक्शन कर दिया, और देख सकते हैं कैसा लग रहा है ये। तो मैंने एलईडी देख सकते हैं यहाँ पर एक पिन है, चार्जिंग पिन, जिसके द्वारा हमने दिया इसको सप्लाई। इसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव सिरा है, इसके द्वारा दिया। और ये हमारा है यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये किट, तो चार्जिंग किट है, छोटा सा चार्जिंग किट है, इसके द्वारा हमने सप्लाई दिया। अभी पूरा कनेक्शन करना बाकी है,
अब पूरा करने के बाद ये कैसा लगेगा आप खुद ही देखिएगा, ये बाकी है इतना। तो देखिए फटाफट में बता देते कैसे कनेक्शन हमने किया है, फटाफट देख लीजिए, सिंपल ही सा है। हम यहाँ से इसको निकाल लेते हैं फिर दिखाते हैं। अभी ये काफ़ी दूर दूर जाएगा, तो हमने ऐसे पास में लगाया था, अभी काफ़ी दूर दूर मैंने बनाया है। जब इसको फैलाएंगे तो दिखाएंगे कैसा इसका नज़ारा होने वाला है। तो बने रहिए साथ में, देखिएगा ध्यान से पूरी वीडियो को, स्किप मत करिएगा। तो तेरे शुरू से करते हैं फटाफट, देख लीजिए हमने किया क्या है। एक वाले को निगेटिव में और एक वाले को पॉजिटिव में ऐसे करके हमने ज्वाइंट किया सारे को। इस तरीके से सेम देख सकते हैं आप ऐसे। तो अभी इसको हमने ज्वाइंट किया ऐसे, सेम इसको भी ज्वाइंट किया हमने, ज्वाइंट करके हमने फैला दिया। इसके भी हमने पॉजिटिव निगेटिव जोड़ रखा है यहाँ पे, सेम इसी प्रोसेस में यहाँ पर हमने जोड़ा है। पांच का हमने कनेक्शन कर लिया सेम इसी स्टेप में, इसको भी और सबको अच्छे से कर लिया। अब इसको जो हम यहाँ पे हम सप्लाई देंगे तो जलेगा, आप देख सकते हैं ये वाला जो ग्रीन वाला है ये माइनस है, चलिए इसको माइनस में जोड़ देते हैं। ये मेरा है ऑलरेडी, इसके द्वारा हमने सप्लाई लिया और इसको हम क्या करेंगे इसको पॉजिटिव में जोड़ देंगे। देखिए तो ये कुछ इस तरीके से जलना स्टार्ट हो जाता है, आप देख सकते हैं तो ये हमारा हो चुका है। चलिए एक बार लाइट ऑफ करके दिखाते हैं आपको कैसा ये लग रहा है। तो एक बार लाइट ऑफ कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं कैसा ये नज़र आता है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये नज़र आ रहा है लाइट बंद हो जाने के बाद। अभी का तो ये नज़ारा है, अभी जब ये फैलेगा तो कैसा नज़र आएगा उस टाइम देखिएगा, काफ़ी अच्छा लगेगा ये। तो देख सकते हैं आप ये किस तरीके से लग रहा है। अभी मैंने एक तरफ ही डाला जलाया, अभी जब ये दोनों तरफ जलेगा तो काफ़ी अलग सा फील होगा। चलिए तो बने रहिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक, देखते हैं। ओके जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों कनेक्शन होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है। तो ये इस तरीके से आपको पूरा जल रहा है। चलिए एक बार सारी लाइट ऑफ करते हैं फिर आपको दिखाते हैं कैसा लगता है, फिर एक बार इसको हम फैला कर दिखाते हैं और उसके बाद इसको सेट करा जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा कैसा लगता है ये। चलिए देखते हैं फटाफट लाइट बंद करने के बाद। वाह दोस्तों देख सकते हैं क्या इसका नज़ारा है। तो फाइनली लाइट बुझ जाने के बाद कुछ इस तरीके से दिखता है, देख सकते हैं आप ये। तो इस तरीके से लगता है जब ये फैल जाएगा, जब इसको हम फैला देंगे अच्छे तरीके से लगा देंगे तो काफ़ी खूबसूरत लगेगा, दूर से और अट्रैक्टिव लगेगा। तो आप इसे बना सकते हैं, बनाना बिल्कुल सिंपल है जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, कुछ खास नहीं। ग्लू गन राड चाहिए, 1.5 रुपये की आपकी एलईडी आती है, अगर ज़्यादा खरीदोगे आप तो 1 रुपये का मिलता है, अलग अलग जगह अलग अलग रेट होता है। एक आपको चार्जिंग किट चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो फटाफट चलिए, अगर इसमें कनेक्शन आपको नहीं समझ में आया तो मैं बता देता हूँ हमने कनेक्शन कैसे किया है। इसमें मैंने दोनों तरफ लाइट लगाई है, ये आप याद रखिएगा। फटाफट चलिए दिखा देते हैं कनेक्शन किस तरीके से हमने किया है। तो एक पेपर पे हम उसको बता दे रहे हैं, बहुत सिंपल है, कुछ वायर लगेंगे और बस ये कनेक्शन फटाफट हो जाएगा। कुछ टाइमिंग लगता है हमको बनाने में टोटली इसको, मैंने सोल्डरिंग से अच्छे तरीके से सोल्डर किया ताकि काफ़ी समय तक चले। अब एलईडी फ्यूज नहीं हुई क्योंकि हमने इसके अंदर रेजिस्टेंस लगा रखा है। तो आप देख सकते हैं 100 ओम को मैंने रेजिस्टेंस लगाया था, उसमें मैंने दिखाया था, जिसकी वजह से जल्दी ये फ्यूज नहीं होगा। नज़दीक से आप क्लोज करके देख लीजिए एक बार कैसा इसका नज़ारा है। तो काफ़ी तेज़ ये लाइट जल रही है, दोनों तरफ जल रही है, देखिए आप ध्यान से, एक लाइट यहाँ जल रही है और एक लाइट इस साइड, एक में, दोनों तरफ लाइट हम लगाइए तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, देख सकते हैं आप ऐसे। तो ये आपकी मल्टी कलर लाइट है, RGB 3 कलर की जो लाइट आती है वही लाइट है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। जब ये फैल जाएगा, जब इसको फैला देंगे तो जो ये वायर दिख रहे हैं दोनों तरफ, ये वायर नहीं दिखेंगे क्योंकि हम इनको जब लगा देंगे अच्छे तरीके से तो वायर आपको एक भी नज़र नहीं आएगा, केवल और केवल लाइट नज़र आएगी और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए फटाफट इसका हम कनेक्शन आपको एक बार दिखा देते हैं। ओके ध्यान से देखिए, मैंने एक सीट बना दिया ऑलरेडी, 11 राड इसमें बना रखे हैं और इसमें यहाँ ध्यान से देखिए इसमें एक बड़ा लेग है और छोटा लेग है। तो क्या करना, क्या सारे मैंने बता दे रहा हूँ फटाफट, आप ऐसे कर सकते हैं। इन सारे प्लस को मैंने आपस में क्या किया, जोड़ रखा है, जितने प्लस हैं सबको आपस में जोड़ दिया इस तरीके से और सारे माइनस को आपस में जोड़ लिया। फिर इसे ही क्रम मैंने नीचे किया, सबको सारे प्लस को आपस में जोड़ लिया एक वायर के थ्रू, फिर सारे माइनस को आपस में एक वायर के थ्रू जोड़ लिया। यहाँ पर लाकर क्या किया, इसके माइनस और इसके प्लस को दोनों को आपस में कंबाइन किया और लास्ट में निकाल लिया। चलिए फटाफट मैं कनेक्शन करके दिखा देता हूँ कैसे हमने किया था। ठीक है, ध्यान से मैंने ऐसे किया,
सबसे पहले सारे प्लस को मैंने आपस में क्या किया, जोड़ लिया इस तरीके से, आप देख सकते हैं, बस ऐसे सारे प्लस को आपस में जोड़ लिया और नीचे वाले सारे प्लस को भी आपस में जोड़ लिया, और लास्ट में मैंने ये आपका यहाँ से वायर निकाल लिया। अभी करना क्या है, अभी करना क्या, फटाफट हम जो माइनस है उस माइनस को आपस में जोड़ लेना, कुछ इस तरीके, जितने माइनस आपके हैं सारे माइनस को आपस में पहले बाहर निकाल कर क्या करेंगे, इनको भी जोड़ लेंगे, बस फटाफट इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। जब तार के ऊपर तार लग जाता है ऐसे इसमें लगाते हैं, ताकि इसका मतलब ये होता है कि हमने वायर को यहाँ पर नहीं जोड़ा है, ऊपर निकाला है, कुछ इस तरीके से। यहाँ से भी फटाफट इसको हम बाहर निकाल लेते हैं उसी क्रम में, और सबको फिर आपस में क्या करना है, बाहर जोड़ लेना है, फटाफट देख लीजिए, बस सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ भारी नहीं है, कोई भी कर सकता है। बस ये सारे माइनस को आपस में कंबाइन कर लीजिए। अब देख लीजिए, ये रहा हमारा कनेक्शन, ये वाला जितने भी हैं हमारे पॉजिटिव, और ये हमारा रहा नेगेटिव, सारे पॉजिटिव को आपस में जोड़ दिया हमने, सारे नेगेटिव को आपस में जोड़ दिया हमने, और लास्ट में आप देख सकते हैं ये वाला पॉजिटिव आकर इसके पॉजिटिव में हमने ज्वाइंट कर दिया, और नेगेटिव को लाकर नेगेटिव में ज्वाइंट कर, दो वायर निकाल लिए, पॉजिटिव वाले में रेजिस्टेंस लगाए और नेगेटिव वाले को ऐसे छोड़ दिया। अब ये हमारा जो अडाप्टर है उससे हमने सप्लाई इसको दिया। तो बस इतना सही सा कनेक्शन है, सिंपल सा, आप इसको कर सकते हैं, और कोई भी सवाल सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, हम आपको ज़रूर रिप्लाई कर देंगे। सिंपल सा, आप भी इसको बना सकते हैं, और कैसा लगा ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। यदि कोई भी सवाल सुझाव हो तो आप भी को उसको भी कमेंट करें, कुछ और चाहते हैं तो उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, देख सकते हैं आप इसको एक बार लाइट बुझने के बाद, अभी जब इसको हम लगा लेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। बस अभी वायर दिख रहा है, लेकिन जब फैल जाएगा तो वायर नहीं दिखेगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक। ये देखिए दोस्तों कैसा लग रहा है, देखिए कैसे बनेगा, ये ध्यान से देखिए, ये लग कैसा रहा है ना, कमाल का। तो आप भी इसे बनाइए और लोगों को दिखाइए, अगर इसे मैं बाहर लगाऊं तो और काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा, रात के समय बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव। मैं अभी लाइट बुझा रखी है, बस ऐसे भी दिखा रहा हूँ, वैसे ही मतलब बस ऐसे ही फैलाया हूँ, जब इसको अच्छे से लगा दूंगा तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखिए इसकी लाइट का जो रोशनी है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, देख सकते हैं आप इस तरीके से लाइट काफ़ी ज़्यादा, ये प्रकाश काफ़ी दे रहा है, जैसे मैं बाहर में सेट करने वाला हूँ, अभी ऐसे ही बस यहाँ पर लटका के दिखा रहा हूँ, सेट करूँगा बाहर में, काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आप बताएं कैसा लगा आपको ये। ओके।